हेलो गाइस, वेलकम टू डिजी मंडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के प्लॉट के बारे में। तो ये प्लॉट एक रूमर है, कोई ऑफिशियल कंफर्म नहीं है, ये आपको मैं चीज़ पहले ही क्लियर कर दूं। पर उसी के साथ इस प्लॉट में काफ़ी ज़्यादा दम है, तो इसमें एक गुड न्यूज़ भी एक बैड न्यूज़ भी है, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते दिस वीडियो। एक मिनट और रुकते हैं, इससे पहले कि मैं प्लॉट के बारे में बात स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं। तो मैं बात करना चाहता हूं जेम्स के बारे में। तो जेम्स प्रीवियस मूवी के डायरेक्टर रह चुके हैं, गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, जो कि रिलीज़ हुई थी पार्ट 1 2014 में और पार्ट 2 रिलीज़ हुआ था 2017 में। उसी के साथ उनका अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है वो है सुसाइड स्क्वाड, जो कि उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि वो उस मूवी को रिबूट करेंगे, ना कि वो उसका सेकेंड पार्ट है। दैन उनका अगला प्रोजेक्ट होगा वॉल्यूम 3, यानी कि गार्डियन द गैलेक्सी। तो इस मूवी की स्क्रिप्ट और ये मूवी जो रिलीज होगी 2021 में। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि अगर ये प्लॉट एक रूमर है तो स्क्रिप्ट तो लिखी नहीं गई होगी, तो इतनी जल्दी प्लॉट कैसे लीक हो सकता है अगर रूमर अगर सच भी निकला। तो मैं आपको बता दूं कि गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की स्क्रिप्ट पहले ही लिख ली थी जेम्स गन ने, और उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी डाला था। देन उसी के साथ उन्होंने एक चीज़ और कन्फर्म करी, वो ये थी जब उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट कम्प्लीट कर ली थी, पॉसिबल ये पता चला कि वो एक एज अ विलन के तौर पर किसी को ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए वो मार्क से मिलने गए थे। तो हाँ, अगर उन्होंने स्क्रिप्ट पहले ही लिख ली होगी तो ये प्लॉट शायद पॉसिबली कहीं ना कहीं सच हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते दिस वीडियो। तो सबसे पहले हमें जो पता चला प्लॉट में वो थी इसकी टाइमलाइन। गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की जो टाइमलाइन है वो एवेंजर एंड गेम से 4 महीने के गैप की है, यानी कि एवेंजर एंड गेम की जो टाइमलाइन थी वो 2023 पे ख़त्म हुई थी और गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की स्टार्ट होती है 4 महीने के बाद की, यानी कि सिर्फ 4 महीने का डिफरेंस देखने को मिलेगा एवेंजर एंड गेम से और गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से। उसी के साथ इसमें हमें नए 2 कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जो कि आपको हिला देने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है नोवा, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। उसी के साथ सेकंड कैरेक्टर देखने को मिलेगा बीटा रे बिल। बीटा रे बिल का हमें ऑलरेडी एक रेफरेंस देखने को मिल चुका है थॉर रैग्नारोक में, और नोवा का रेफरेंस हमें देखने को मिल चुका है गार्डियन द गैलेक्सी की दोनों पार्टों में। उसी के साथ इसमें हमें नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा फिंग फैंग फ्रॉम। तो ये एक ऐसा ड्रैगन टाइप का कैरेक्टर है जो कि कॉमिक बुक में था, ग्रीन कलर का है, जो कि हल्की चड्डी पहनता है, तो ये एक डिफरेंस है। और देन ये विलेन है या हीरो है अभी तक ये कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, पर ये दोनों कैरेक्टर हमें देखने को मिलेंगे और नोवा तो इस मूवी में पॉसिबली हो गई। उसी के साथ अगला जो प्लॉट का अपडेट है सेकंड, जिसमें कि हमें बीटा रे बिल, ग्रूट, नेबुला, मेंटिस, ये नई गार्डियन द गैलेक्सी की टीम बनेगी, जिसमें कि ज्वाइन करेंगे एडम वॉरलॉक। और एडम वॉरलॉक शुरू में तो लड़ेगा, विलेन तौर पे होगा, पर एंड में हीरो बनकर इनकी टीम को ज्वाइन कर लेगा और इनका लीडर बन जाएगा। अब आप कहोगे कि थॉर और पीटर कुल का क्या होगा, तो बस ये क्वेश्चन इसमें हिला देने वाला है, ये एक सैड न्यूज़ है इस वीडियो में। अब एक्चुअली में होता क्या है कि बीटा रे बिल की जैसी एंट्री होती है तो थॉर और बीटा रे एक अच्छे से फ्रेंड बन जाते हैं, और बीटा रे बिल थॉर को एंडिंग में अपने होम प्लेनेट पे ले जाता है टेलीपोर्ट करके। उसी के साथ पीटर कुल, ड्रैक्स और रॉकेट गार्डियन द गैलेक्सी की टीम को छोड़ देते हैं। और बात करें पीटर कुल की, तो पीटर कुल को गमुरा मिल जाती है जो कि रिटर्न होती है, तो पीटर कुल काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाता होगा, तो इसलिए पीटर कुल फैसला लेता है कि मैं टीम को छोड़कर गमुरा के साथ रहता हूँ, अपना परिवार बसाता हूँ। तो वो चले जाते हैं जैन ओब्रेई प्लैनेट पर। तो ये एक एंडिंग है जो कि हमें इस प्लॉट में देखने को पता चली। तो काफ़ी शॉर्ट प्लॉट था, पर इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें भी पता चली अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखें तो। तो कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देख रहे हो या तो उस पर हल्के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।